दंगल में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को तीन राज्यों में पछाड़ा है उस पर बात करेंगे, और कैसे कांग्रेस ने एक अल्टरनेटिव के रूप में उभरकर बीआरएस को तेलंगाना में पछाड़ दिया है। विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी जबरदस्त जोश में है। इस जीत की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। आज संसद का विंटर सेशन शुरू होने से पहले ही लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने नारा लगाया, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। इससे पहले कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को पार्टी की ओर से जीत की बधाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के मौके पर देश के नाम संबोधन में विपक्षी गठबंधन को भी नसीहत दी। आज जब पीएम मोदी सुबह संसद पहुंचे तब उन्होंने विपक्ष से नकारात्मकता छोड़कर देश के विकास में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की अपील भी की, और यही बात उन्होंने कल शाम को भी कही थी। पीएम मोदी ने आज क्या कहा पहले वो आपको सुनाते। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा, और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है, नकारात्मकता को नकारा है, और विपक्ष को यह भी कहा है कि देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश को पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करें। आज लोकसभा में बीजेपी की जीत की गूंज कैसे सुनाई पड़ी वो भी आपको दिखाते हैं। ये लोकसभा की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के सांसदों में जीत का जोश दिखा और वो कहते सुने गए, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब वही कल जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इस संदेश में जनता के प्रति आभार भी था और विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत भी। आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिखाते हैं। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए, और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा।